एक समय की बात है, किसी गांव में चंद्रपाल नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ यशोदा के साथ रहता था। चंद्रपाल जब पैदा हुआ था तब से ही उसका एक हाथ खराब था, जिस कारण वो एक हाथ से ही काम कर पाता था। चंद्रपाल गांव के जमींदार के पास खेतीबाड़ी का काम करके घर का गुजारा चलाता था। चंद्रपाल की माँ को अब उसकी शादी की ही चिंता थी। वो चाहती थी कि उसके जीते जी चंद्रपाल का घर बस जाए, इसी चिंता में वो परेशान रहती थी। ये लो यशोदा बहन, मिठाई खाओ। मैंने अपने बेटे सुधीर का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में तय कर दिया है। लड़की बहुत ही पैसे वाले घर की है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे चंद्रपाल के लिए भी कोई लड़की हो तो बताना। अब मैं भी चंद्रपाल के विवाह के बारे में सोच रही हूँ। यशोदा बहन, चंद्रपाल का हाथ खराब है, ये बात गांव का बच्चा बच्चा जानता है, और ऊपर से वो 500 रुपए की नौकरी करता है, उसे कोई अपनी लड़की नहीं देगा। हाँ, कोई गरीब मजबूर हो तो वो तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर सकता है, पर वो भी तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अब एक हाथ से अपाहिज लड़के को भला कौन लड़की देगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। पड़ोसन की बातों को सुनकर यशोदा बहुत दुखी हो जाती है। तभी चंद्रपाल आ जाता है। चंद्रपाल का चेहरा थोड़ा परेशानी से भरा और उदास था। क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज तू जल्दी आ गया। माँ, जमींदार साहब ने मुझे काम देने से मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं एक हाथ से ही काम कर पाता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया और मेरा हिसाब कर दिया। जी छोटा मत कर बेटा, कोई ना कोई काम तुझे जरूर मिल जाएगा। तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अगले कई दिनों तक चंद्रपाल को कोई काम नहीं मिलता। अब इस गांव में उसके लिए कोई काम नहीं था, इसलिए उसने बड़े नगर में जाकर काम ढूंढने के बारे में सोचा। माँ, तुम अपना ख्याल रखना, जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा मैं तुरंत तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। अपना ख्याल रखना बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम अपने हर काम में सफल हो। अपनी माँ से विदा लेकर चंद्रपाल बड़े नगर में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चंद्रपाल को किसी भी नगर में कोई काम नहीं मिलता। वो जिस भी नगर में जाता उसके अपाहिज हाथ को देखकर सब काम के लिए मना कर देते। चंद्रपाल अभी नगर में घूम ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी उससे मदद मांगता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बाबा, मेरे पास ये कुछ रोटियां हैं, आप ये खा लो। बेटा, तुमने मुझे अपनी रोटियां दे दी, अब तुम क्या खाओगे? बाबा, मैं तो अभी नगर नगर घूम रहा हूँ, कुछ ना कुछ खरीद कर खा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो तुम इस नगर के नहीं हो, तुम परदेसी हो, वैसे तुम नगर नगर क्यों भटक रहे हो? बाबा, मैं काम की तलाश में निकला हूँ। चंद्रपाल उस बूढ़े व्यक्ति को अपने बारे में बताता है। बेटा, अगर तुम अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो तो तुम यहाँ से सीधा सुंदर नगर जाओ, वहाँ जाकर तुम्हारी सारी परेशानियों का हल तुम्हें मिल जाएगा। बूढ़े व्यक्ति के कहे मुताबिक चंद्रपाल सुंदर नगर पहुँचता है। बूढ़े बाबा ने मुझे कहा था कि मेरी सारी परेशानियों का हल मुझे सुंदर नगर में मिलेगा, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो सारा बाजार बंद पड़ा है, यहाँ मुझे क्या काम मिलेगा? कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? वो एक आदमी जा रहा है, उससे पूछता हूँ। भैया जरा रुकना। बोलो भैया, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों रोका? ये नगर में इतना सन्नाटा क्यों है, बाजार भी बंद पड़ा है। भैया, सन्नाटा क्यों नहीं होगा है? जिस राज्य की राजकुमारी की जिंदगी की आखिरी रात हो, उस राज्य में कैसे खुशहाली। राजकुमारी मधुरी माँ को बहुत ही गंभीर बीमारी हुई है जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। तो किसी वैद्य से पूछा जाए कि इसका इलाज कैसे संभव है। महाराज ने बहुत से वैद्य और हकीमों को दिखाया है, उनका यही कहना है कि अब राजकुमारी सिर्फ सुनहरी गाय का दूध पीकर ही ठीक हो सकती हैं। पर सुनहरी गाय राक्षस कालकासुर की कैद में है। इस नगर में हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि राक्षस कालकासुर को मार कर सुनहरी गाय ला सके। क्या तुम मुझे महाराज चित्रसेन के पास ले जा सकते हो? हाँ चलो, मैं तुम्हें महाराज के पास ले चलता हूँ। वह आदमी चंद्रपाल को महाराज चित्रसेन के पास ले जाता है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह होने से पहले ही सुनहरी गाय उस राक्षस के कब्जे से छुड़ा कर ले आऊंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, बस आप मेरा सुबह होने तक इंतजार कीजिए। युवक, तुम्हारे हौसले को देखकर मेरी भी उम्मीद बंद गई है। जाओ, ये कार्य संपन्न करके शीघ्र लौटो, मैं तुम्हें उस राक्षस के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। महाराज चित्रसेन से उस राक्षस के बारे में सारी जानकारी लेकर चंद्रपाल राक्षस की तलाश में निकल पड़ता है। राक्षस एक गुफा में रहता था। राक्षस अभी बाहर गया हुआ था। सुनहरी गाय एक पिंजरे में कैद थी। चंद्रपाल सुनहरी गाय के पास जाता है और अपना परिचय देता है। सुनहरी गाय चंद्रपाल को अपने बारे में बताती है।
मैं एक जादुई सुनहरी गाय हूँ। एक बार मैं अपने परिवार के साथ धरती लोक पर घूम रही थी, तब इस राक्षस ने मुझे देख लिया। ये राक्षस मेरी ही तलाश में था। उसने मुझे पकड़ लिया और अपनी शक्तियों से मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया। मेरे जादुई दूध का पान करके वो राक्षस अपनी शक्तियों को बढ़ा लेता है। मुझे अब उस राक्षस की कैद में नहीं रहना, मैं अपने लोक वापस जाना चाहती हूँ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा और तुम अपने लोक वापस भी जाओगी। जैसे ही चंद्रपाल गाय के ऊपर प्यार दुलार से हाथ रखता है, उसका दूसरा हाथ अपने आप ठीक हो जाता है। चंद्रपाल, मैं एक जादुई सुनहरी गाय हूँ, इसलिए जैसे ही तुमने मुझे छुआ तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। ये जादुई तलवार लो और उस राक्षस का खात्मा करो। चंद्रपाल के हाथ में एक तलवार आ जाती है। जैसे ही राक्षस आता है, चंद्रपाल उसके सामने आ जाता है। तू कौन है और यहाँ मरने क्यों आया है? मैं नहीं, तुम मारे जाओगे मेरे हाथ से। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। डरो नहीं चंद्रपाल, ये तलवार राक्षस के पेट में घोप दो, इससे वो मर जाएगा। जैसे ही राक्षस चंद्रपाल को मारने आता है, चंद्रपाल राक्षस के पेट में तलवार घोप देता है और राक्षस का अंत हो जाता है। चलो सुनहरी गाय, आज तुम इस राक्षस की कैद से आजाद हो गई हो। सुनहरी गाय, हमें बहुत जल्द सुंदर नगर पहुँचना होगा, पर सुबह होने में सिर्फ कुछ ही देर बाकी है। हम इतनी जल्दी सुंदर नगर कैसे पहुँचेंगे? चिंता मत करो चंद्रपाल, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम कुछ ही पलों में उड़कर सुंदर नगर पहुँच जाएंगे। चंद्रपाल सुनहरी गाय की पीठ पर बैठ जाता है और गाय उड़ने लगती है। कुछ ही देर में वो राजमहल पहुँच जाते हैं। सुबह होने में अभी समय था। सुनहरी गाय दूध देना शुरू करती है और राजवैद्य सुनहरी गाय के दूध से औषधि बनाकर राजकुमारी मधुरिमा को पिलाते हैं। कुछ ही देर में राजकुमारी मधुरिमा को होश आ जाता है। चंद्रपाल, अब मेरा कार्य यहाँ समाप्त हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी गाय, तुम मुझे हमेशा याद आओगी। इसके पश्चात सुनहरी गाय अदृश्य हो जाती है। चंद्रपाल, आज तुम्हारे कारण ही मेरी पुत्री को दोबारा जीवन मिला है, इसलिए मैं अपनी पुत्री मधुरिमा का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। राजा चित्रसेन की बात सुनकर कुछ पलों के लिए तो चंद्रपाल हैरान रह जाता है, फिर सबके कहने पर वो राजकुमारी मधुरिमा से विवाह कर लेता है। उसके पश्चात महाराज चित्रसेन और महारानी सुमति ढेर सारी धन दौलत और उपहार देकर अपनी पुत्री मधुरिमा को चंद्रपाल के साथ खुशी खुशी विदा करते हैं। अपने पुत्र और बहू को देखकर यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा गांव चंद्रपाल के ठाट देखकर हैरान था। जो पड़ोसन यशोदा को ताने सुनाकर गई थी, आज वो भी शर्म से लज्जित थी। जमींदार और गांव वाले भी चंद्रपाल को खूब मान सम्मान देते हैं। अले मम्मी, दे तो ना, ये दाय तो तुझ भी नहीं खा रही है। वो खा लेगी बेटा, उसका पेट भरा हुआ होगा, जाओ तुम खेलो। पल मम्मी, अरे कहा ना वो खा लेगी, जाओ अब मुझे परेशान मत करो। 4 साल की मासूम प्रिया अमरपुर गांव में अपने पिता हरीश और माँ ममता के साथ रहती थी। हरीश एक किसान था और ममता घर पर रहकर अपनी बच्ची और घर का ख्याल रखती थी। हरीश के पास एक गाय थी जो हमेशा उनके घर के पीछे बाड़े में बंधी रहती थी। प्रिया ने उस गाय का नाम मंगो रखा था, क्योंकि जब भी प्रिया मंगो के पास जाती थी वो जीभ निकालकर खड़ी हो जाती थी। प्रिया कहती थी, जब देखो कुछ न कुछ खाने को मांगती रहती है, इसलिए उसने गाय का नाम मंगो रखा था। प्रिया ज्यादातर समय मंगो के पास बाड़े में ही खेलती रहती थी। मंगो को भी प्रिया को खेलते देखकर बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन, प्रिया, ओ प्रिया, अरे कहाँ चली गई? हाँ मम्मी, मैं इधर हूँ मंगो के पीछे, उसे थाना खिला लई हूँ। ओहो बेटा, मंगो कोई बच्ची थोड़ी है, वो खा लेगी। मुझे पता है मम्मी, मगर मंगो को अपने हाथ से खिलाना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा बाबा ठीक है, खिला अपने हाथों से इसे, पर जल्दी अंदर आ जाना और अपना खुद भी खाना खा लेना। प्रिया मंगो के पास खेलती रही और ममता घर के अंदर चली गई। अब बाड़े में प्रिया और मंगो अकेली थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई और नहीं था। ये एक भारी भरकम बाघ था जो पास ही घात लगाए बैठा था। उसकी नजर छोटी सी प्रिया पर थी और मौका पाते ही वो उसकी तरफ झपट पड़ा। बाघ की छलांग देखकर मंगो को एहसास हो गया कि बाघ जरूर प्रिया की जान ले लेगा।
लेकिन उससे पहले ही मंगो ने पूरी ताकत के साथ अपने गले में बंधी रस्सी को झटका दिया और उसकी ताकत से रस्सी समेत खूंटा भी जमीन से उखड़ गया। अब मंगो प्रिया और बाघ के बीच खड़ी थी। प्रिया डर से थर थर कांप रही थी और मंगो आंखें फैलाए और नथुने फुलाए बाघ को घूर रही थी। बाघ भी समझ गया था कि प्रिया से पहले उसे मंगो से जूझना ही होगा। देखो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तो भूल गई है क्या कि तू एक गाय है और मैं एक बाघ हूँ। मुझे धमकाने की हिम्मत तुझ में कहाँ से आई? ये मेरी बच्ची है तो इस तक पहुँचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। एक इंसान की बच्ची के लिए इतना प्यार, ऐसा क्या है इसमें? अगर ये इतनी ही प्यारी है तो फिर तो इसे खाने में और भी मजा आएगा। मैंने कहा ना चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मंगो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही बाघ ने मंगो की तरफ छलांग लगा दी। मंगो भी बिना कुछ सोचे समझे उससे भिड़ गई। बहुत देर तक दोनों में भयंकर लड़ाई होती रही। बाघ मंगो पर अपने नुकीले पंजों से वार करता रहा और मंगो अपने सींगों से उठा उठा कर पटकती रही। उधर प्रिया एक जगह छिपकर ये सब देखती रही। आखिरकार मंगो के हौसले की जीत हुई और बाघ को हार मानने पर मजबूर कर दिया। बाघ लड़खड़ाते हुए जंगल की तरफ लौट गया। तब प्रिया बाहर निकलकर मंगो की तरफ दौड़ी और उससे लिपटकर रोने लगी। तब तक ममता भी वहां आ गई। ममता ने देखा कि प्रिया मंगो को गले से लगाए खड़ी है और मंगो के पूरे बदन से कई जगह खून बह रहा है। ये देखकर ममता घबरा गई। उसने तुरंत प्रिया को गोद में उठाया और वहां से चली गई। मंगो चुपचाप ममता को देखती रही। ममता ने एक बार भी उसके बदन पर हाथ नहीं फिराया, जबकि मंगो प्रिया के लिए अपनी जान पर खेल गई। फिर उसी शाम, सुनो जी, ये मंगो को अब छोड़ना होगा। पर ऐसा क्यों? क्या किया उसने? जरा जाके उसकी हालत देखो, पता नहीं किससे भिड़ कर आई है। भिड़ के आई है मतलब? पता नहीं किससे लड़ पड़ी है, पूरे शरीर पर घाव ही घाव है। मुझे तो लगता है कहीं पागल तो नहीं हो गई। उसका यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। छोटी सी बच्ची है घर में, बेचारी सुबह से सहमी हुई है। क्यों? अब उसे क्या हुआ? अब मुझे कुछ नहीं पता। आप बस अभी जाओ और उसे कहीं छोड़ कर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। हरीश पीछे बाड़े में गया तो उसने देखा कि मंगो वहाँ पर उदास बैठी थी। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे जिनमें से खून बह रहा था। ये देखकर हरीश की आंखों से आंसू आ गए। उसके घाव देखकर हरीश को लगा कि शायद अब मंगो बच नहीं पाएगी और वो मंगो को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता था। उसने मंगो की रस्सी हाथ में ली और उसे जंगल की तरफ लेकर चल दिया। मंगो भी लड़खड़ाती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। काफी दूर पहुंचकर हरीश ने मंगो की रस्सी हाथों से छोड़ दी और मंगो के सिर पर हाथ फिराकर वहां से वापस चलाया। मंगो उसे जाते हुए एकटक देखती रही, लेकिन उसने हरीश को रोकने की या उसके साथ जाने की कोशिश नहीं की और मुंह लटकाए जंगल की तरफ बढ़ गई। दर्द और भूख से परेशान मंगो एक पेड़ के नीचे बैठ गई कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या, ये तो किसी के बच्चे के रोने की आवाज है। मंगो आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ी, तभी उसने देखा कि एक बड़े से पत्थर के पीछे बाघ का एक छोटा सा बच्चा रोए जा रहा था। अरे तुम तो बड़े प्यारे हो, पर रो क्यों रहे हो? मेरे बाबा अभी तक नहीं आए और मुझे बहुत भूख लगी है। कहाँ है तुम्हारे बाबा? मुझे नहीं पता, वो मुझे यहीं छोड़कर गए थे और कहकर गए थे कि थोड़ी देर में खाना लेकर आएंगे। मंगो दर्द से बेहाल थी, लेकिन बाघ के बच्चे को भूख से बिलखता देख उसने फौरन उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। बाघ का बच्चा भी मंगो से लिपट कर दूध पीता रहा। इसी बीच वहाँ किसी के कदमों की आहट हुई। उस आहट को सुनकर मंगो घबरा गई। उसने फौरन बाघ के बच्चे को खुद से छिपका लिया और पलट कर देखा तो सामने वही खूंखार बाघ खड़ा था जिसने प्रिया पर हमला किया था। अच्छा तो तुम यहाँ भी आ गई, मेरे बच्चे को छोड़ दे वरना अब नहीं बच पाएगी मुझसे। क्या ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ यही मेरे बाबा है। इतना कहकर वो बच्चा जाकर उसी बाघ से लिपट गया। ये देखकर मंगो खुश थी, लेकिन तभी बाघ ने गुस्से से अपने बच्चे से पूछा, इसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? नहीं नहीं बाबा, ये तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत भूख लगी थी तो इन्होंने मुझे दूध पिलाया और बहुत प्यार भी किया। अपने बच्चे की बात सुनकर बाघ हैरान रह गया। उसका नजरिया मंगो के प्रति एकदम बदल गया। वो मंगो के पास आया और बोला, अब मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा कि
तुम मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने आई हो, पर मैं ये भूल गया कि उस दिन तुम तो एक इंसान की बच्ची के लिए अपनी जान पर खेल गई थी। कोई बात नहीं, अच्छा तो मैं चलती हूँ। रुको, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो वहाँ उस इंसान के पास रहती थी। मंगू ने उस बाघ से कुछ नहीं कहा और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चल दी। वो चलते हुए लड़खड़ा रही थी। ये देखकर बाघ के बच्चे ने कहा, ये कितनी अच्छी है, पता नहीं किस गंदे जानवर ने इन्हें चोट पहुंचाई। बाघ के पास अपने बच्चे के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मंगू वहां से चली गई और रात भर जंगल में भटकती रही। फिर अगले दिन उसी बाघ ने देखा कि एक शेर मंगू की जान लेने की कोशिश कर रहा था और मंगू पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला कर रही थी, लेकिन उसकी हालत खराब थी और वो कमजोर पड़ रही थी। मंगू की जान खतरे में देखकर बाघ शेर से भिड़ गया और फिर दोनों ने मिलकर शेर को वहां से भगा दिया। बाघ मंगू को अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। मंगू को देखकर बाघ का बच्चा बहुत खुश हुआ और वो मंगू के घावों को चाटने लगा। बाघ वहां से चला गया और मंगू उसके बच्चे के पास बैठ गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बाघ हर रोज शिकार करता और उसका बच्चा मंगू के साथ खूब खेलता। वक्त गुजरा तो मंगू के घाव भी भर गए और वो बिल्कुल अच्छी हो गई। फिर एक दिन, मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? उसी गांव में। हो सकता है कि मुझे कोई इंसान फिर से अपने पास रख ले। वैसे भी गाय घरों में ही अच्छी लगती हैं, सड़कों या जंगलों में नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा एहसान है मुझ पर, तो कभी भी तुम्हारी कोई भी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाघ और उसके बच्चे से विदा लेकर मंगू गांव वापस आ गई। वो सीधे हरीश के घर पहुंची तो प्रिया उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। मम्मी मम्मी देखो, मंगू आ गई। हैं? ये फिर वापस आ गई? मंगू को वापस देखकर हरीश और प्रिया बहुत खुश थे। दोनों मंगू से जाकर लिपट गए। तभी पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। वहाँ दो भेड़िये खड़े थे जो हरीश और प्रिया को घूर रहे थे। उन भेड़ियों को देखकर हरीश और प्रिया बुरी तरह घबरा गए। लेकिन अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बाघ निकला और मंगू के साथ जाकर उन दोनों भेड़ियों के सामने खड़ा हो गया। और फिर वहां पर जो हुआ उसे देखकर ममता और हरीश दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मंगू को बड़े ही प्यार से वापस अपना लिया। अब मंगू के पास दो परिवार थे। एक जगह वो प्रिया उसकी बच्ची थी तो दूसरी तरफ जंगल में वो एक बाघ के बच्चे की माँ थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।